हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे Redmi Note Pro को Oppo F11 से और Oppo F11 Pro से और पता लगाएंगे तीनों फोन में से आपके लिए कौन सा फोन लेना बेस्ट रहेगा। बात करें हम Redmi Note Pro प्राइस की तो आपको मिल जाएगा Redmi Note Pro प्राइस देने को 14,999 का। दूसरी तरफ Oppo F11 में मिल जाएगा 14,990 का प्राइस देखने को। इसी तरह Oppo F11 Pro देखने को मिल जाएगा 18,391 का प्राइस देखने को। बात करें हम डिस्प्ले की, डिस्प्ले को मिल जाएगा Redmi Note Pro में 6.53 इंच का डिस्प्ले, Oppo F11 में 6.5 इंच का डिस्प्ले, Oppo F11 Pro में 6.5 इंच का डिस्प्ले। आपको तीनों फोन में फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बात करें हम डिस्प्ले टाइप की, लॉक मिल जाएगा Redmi Note Pro में IPS LCD डिस्प्ले टाइप, Oppo F11 में TFT LTPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, Oppo F11 Pro में TFT LTPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बात करें हम प्रोटेक्शन की, लॉक मिल जाएगा तीनों फोन में प्रोटेक्शन कोर्टेक्स गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन देखने को। बात करें हम सिक्योरिटी की, आपको तीनों ही फोन में रियर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन और साथ में फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें हम परफॉर्मेंस की एंड रैम की एंड स्टोरेज की, तो आपको मिल जाएगा Redmi Note Pro में MediaTek का प्रोसेसर Helio G90T, Oppo F11 मिल जाएगा आपको MediaTek का प्रोसेसर Helio P70 प्रोसेसर मिल जाएगा आपको, Oppo F11 Pro में आपको MediaTek का प्रोसेसर P70 देखने को मिल जाएगा। बात करें हम रैम की, तो आपको रैम देखने को मिल जाएगा Redmi Note Pro में 6GB रैम, Oppo F11 में 4GB रैम, Oppo F11 Pro में 6GB रैम। बात करें हम स्टोरेज की, स्टोरेज देखने को मिल जाएगा आपको Redmi Note Pro में स्टोरेज 64GB, Oppo F11 में देखने को मिल जाएगा 128GB, Oppo F11 Pro में 64GB देखने को मिल जाएगा। बात करें हम ग्राफिक्स की, तो आपको देखने को मिल जाएगा ग्राफिक्स Redmi Note Pro में Mali G76MP4, Oppo F11 में Mali G72MP3, Oppo F11 Pro में Mali G72MP3 ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। बात करें हम कैमरा की, तो कैमरा को मिल जाएगा Redmi Note Pro में क्वाड रियर कैमरा, Oppo F11 में डुअल रियर कैमरा, Oppo F11 Pro में डुअल रियर कैमरा। Redmi Note Pro में आपको मिल जाएगा पहला कैमरा 64MP का, दूसरा मिलेगा 8MP का, तीसरा मिलेगा 2MP का, चौथा मिलेगा 2MP का। Oppo F11 में आपको पहला कैमरा मिलेगा 48 का, दूसरा मिलेगा 5MP का। आपको मिल जाएगा Oppo F11 Pro में पहला कैमरा 48MP का, दूसरा मिलेगा 5MP का। तो कैमरा कमरे में Redmi Note Pro आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको इस फोन में 64MP का सेल्फी कैमरा रियर कैमरा मिल रहा है। और बात करें हम सेल्फी कैमरे की, तो आपको मिल जाएगा सेल्फी कैमरा Redmi Note Pro में 20MP का, Oppo F11 Pro में 60MP कैमरा मिल जाएगा, Oppo F11 में 60MP कैमरा मिलेगा। तो कैमरे कमरे में Redmi Note Pro आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको इस फोन में 20MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। और बात करें हम बैटरी की, तो बैटरी आपको मिल जाएगी Redmi Note Pro में 4500mAh की बैटरी, Oppo F11 में 4020mAh की बैटरी मिल जाएगी आपको, Oppo F11 Pro में 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी आपको। बात करें हम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की, तो तीनों फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। Redmi Note Pro फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, Oppo F11 वॉक भी को ठीक है सपोर्ट करेगा, Oppo F11 Pro वॉक V3 को सपोर्ट करेगा। बात करें हम USB Type-C पोर्ट की, तो आपको तीनों फोन में USB Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें हम ऑडियो जैक की, तो आपको तीनों फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको तीनों फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 9 पाई का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।